क्वेश्चन 9 भी हमारा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. द क्वेश्चन सेज द टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 इन प्रोजेक्टाइल मोशन हैव वेलोसिटीज v1 एंड v2 एट इनिशियल टाइम दैट इज t इज इक्वल टू 0. देयर वेलोसिटीज बिकम v1 डैश एंड v2 डैश एट अ टाइम t इक्वल्स टू t0 व्हाइल स्टिल मूविंग इन द एयर. द वैल्यू ऑफ m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 इज व्हाट. और इसके लिए हमें चार क्वेश्चंस दिए गए, ऑप्शंस दिए गए. अब इस क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे? इस क्वेश्चन में हम चेंज इन लीनियर फोर्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम यूज करेंगे. तो कि एट टी इज इक्वल टू 0 हमारे लीनियर मोमेंटम की वैल्यू है m1 v1 प्लस m2 v2. यहाँ पे हम मोमेंटम का बेसिक इक्वेशन यूज कर रहे हैं जो कि होता है पी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. ओके, अब आगे हम देखेंगे एट टी इक्वल टू 2t0 जो क्वेश्चन में ही गिवन है. मोमेंटम होगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. हम यहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ओके, सो ये इक्वेशन का हमें ध्यान रखना होगा कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी. हाँ, आगे हम देखेंगे कि टाइम टी नॉट में, टाइम टू टी नॉट में जो मोमेंटम चेंज हुआ है दैट इज इक्वल टू p2 माइनस p1. हमारे पास इक्वेशन है एफ इक्वल टू dp बाय dt. अब इस इक्वेशन को हम इधर ले आए और इसको इंटीग्रेट करें तो हम जानते हैं कि टाइम 0 से 2t0 वैरी हो रहा है और 0 टाइम पे मोमेंटम था p1 और 2t0 टाइम पे मोमेंटम था p2. ओके, फोर्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है m1 प्लस m. ओके, क्योंकि बॉडीज नहीं है इसलिए इन पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो सिर्फ उनका वेट होगा. हाँ, आगे हम इस पूरे एफ को बाहर ला सकते हैं dt का इंटीग्रेशन जिसको हम 0 से 2t0 इंटीग्रेट कर तरफ dp का इंटीग्रेशन होगा p जिसको हम p1 से p2 इंटीग्रेट कर. ओके, हम आगे देखेंगे m1 प्लस m2 into 2t0 इक्वल टू p2 माइनस p1. तो हमें इस इंटीग्रेशन से बेसिकली जो फॉर्मूला मिलता है दैट इज एफ, हमने स्टार्ट किया था विद एफ की उसका डिफरेंशियल फॉर्म था और इंटीग्रेट करके हमें उसका एकदम सिंपल फॉर्म मिलता है विच इज एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी विच इज p2 माइनस p1 अपॉन t2 माइनस t1. हाँ, लेकिन हम इसको इसलिए यूज करते हैं, इसको हम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी के ऊपर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा केस हो जिसमें फोर्स कांस्टेंट नहीं हो और डिपेंडेंट ऑन टाइम हो. ठीक है, तो इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए. हाँ, आगे हम देखेंगे कि p2 माइनस p1 का मतलब है m1 v1 माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 जो कि हमें क्वेश्चन जो कि है ये वैल्यू आपसे इस. तो आगे जाके सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसकी वैल्यू होगी m1 प्लस m2 g इनटू t02. तो ये आ गया हमारा साबता है वो है ऑप्शन सी. ओके, तो इसमें हमने सिर्फ एक बेसिक डिफरेंशियल लगाया है एफ इज इक्वल टू डीपी बाय डीटी और इससे हमें डेल्टा पी की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी थी वो हमें मिल. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. क्वेश्चन टेन में हमारे पास है अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ अ पैराबोला दैट इज वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर दैट इज वर्टिकल इन द वाई एक्सिस with a bead of mass m on it. The bead can slide on the wire without friction. It stays at the lowest point of the parabola when the wire is at rest. Now this wire is accelerated parallel to the x-axis with a constant acceleration a. The distance of the new equilibrium position of the bead where the bead can stay at rest with respect to the wire from the y-axis is what? So we need to find the new
इक्विलिब्रियम पोजिशन फॉर द बीड व्हेन वी प्रोवाइड एन एक्सेलरेशन ए इन द एक्स डायरेक्शन. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? पहले डायग्राम बनाएं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले पैराबोला का डायग्राम गिवन है, वो है वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर. तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. बीड लोएस्ट पोजिशन पे है जब सिस्टम रेस्ट पे है, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से द वायर इज नाउ एक्सेलरेटेड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए. यानी अब हम जो भी कैलकुलेशंस करेंगे वो वायर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करेंगे. अब मान लेते हैं क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बीड पीछे की तरफ जाएगी और इसकी इक्विलिब्रियम पोजिशन कुछ यहां होगी. ओके. अब हमें जानना है पोजिशन with respect to the wire from the y axis. Yes, that is when we provide an acceleration of a. हाँ, तो अब हम देखते हैं कि ये एंगल, ठीक है, तो पोजीशन अज्यूम करते हैं ऑफ द बीड व्हिच विल बी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट, उसको हम एंगल थीटा, उसका एंगल हम थीटा ले रहे हैं विद द एक्स एक्सिस माइनस थीटा, और जो एक्यूट एंगल वो बना रहा है उसकी वैल्यू मैंने ली है थीटा. ओके. तो हम मान सकते हैं क्या है भी थीटा. अब इसमें हम देखेंगे इस पॉइंट पे बीड पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. हाँ. Okay. तो वो है एन, एमिशंस में काम कर रहे हैं. हमारे पास एक स्यूडो फोर्स है जिसकी वैल्यू है एम ए, क्योंकि हम जानते हैं कि वायर मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस विद एन एक्सेलरेशन ए. ओके. अब क्योंकि इस पोजिशन ने, हाँ, तो हम ले सकते हैं एन कॉस थीटा टू रेस्ट पे चाहिए. हाँ. अब मैंने इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड किया, यानी इक्वेशन वन से इक्वेशन टू को डिवाइड किया. थीटा इक्वल टू ए बाई जी. ये हमने, इससे हमने जो अननोन वेरिएबल एन था उसे एलिमिनेट कर दिया. हाँ. अब हम जानते हैं कि जिस पॉइंट पे बीड इक्विलिब्रियम पे आई है, अगर वो पॉइंट ए है, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट विद एक्स एक्सिस की वैल्यू है टैन ऑफ 180. जब डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बना रहा है उसकी वैल्यू है 180 माइनस थीटा. तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई माइनस टैन थीटा. हम जानते हैं कि वाई इक्वल टू के एक्स, हमें क्वेश्चन में स्लोप निकालने के लिए हम बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के बाद आएगी 2, और यही वैल्यू इक्वल है माइनस टैन थीटा है. That is divided by dx. Slope of tangent at point A is minus tan theta. Okay. From this equation, we see that the tan theta is a by g. Okay. So here we put that to your value. क्योंकि हमसे question में पूछा है where find the distance of the new equilibrium position with respect to the wire from the y axis. तो हमसे डिस्टेंस पूछा, कंसिडर नहीं करेंगे, और हमारे पास जो वैल्यू आई है 2g के, वही हमारा. तो द राइट चॉइस फॉर अस इज ऑप्शन विच इज a by 2g के. ओके. तो इसमें हमें एक चीज सिर्फ ये ध्यान रखनी होगी, क्योंकि हम इसे विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम देख रहे हैं, इसीलिए हमें सूडो फोर्स लगाते हैं विच इज इक्वल टू एम ए व्हेन वी आर टेकिंग. दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, वरना ये एक सिंपल मास बैलेंस फोर्स बैलेंस इक्वेशन हो जाता है जैसे हमने पहले किया हुआ क्वेश्चन. ओके. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10. ओके, क्वेश्चन 11. अब इसमें वी हैव टू बी केयरफुल दैट देयर कैन बी मोर देन वन करेक्ट आंसर्स. ओके, सो द क्वेश्चन सेज दैट टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास व्हिच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली ऑन द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर अलोंगसाइड. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड m2 m1 and the plane is mu. Now the four options are A. If m1 is equal to m2, then m1 first begins to move up the inclined plane when mu equals to tan theta. The second option says that if m1 is equal to m2, then m1 begins to move up the plane when mu equals to sec theta minus tan theta. Third option says if m1 is equal to 2m2, m1 begins to slide down the plane when mu equals to tan theta. And last, if m1 is equal to 2m2, m1 begins to slide down the plane when mu equals to tan theta minus 1 by 2 sec theta. So we have to basically find the behavior of m1 when we change mu. So hum isko kaise start karenge? Is question mein hume sabse pehle do possibilities explore karni honge.
पहली पॉसिबिलिटी कि m1 नीचे आएगा, तो इस केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ। दूसरा केस होगा जब m2 नीचे आएगा, मतलब m1 ऊपर जाएगा, और इस केस में फ्रिक्शन होगा नीचे की तरफ। सो हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन लेते हैं बाय द रूल दैट सेज दैट इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, ओके। तो इस केस में हम सबसे पहला केस लेते हैं ट्रेवल्स डाउन द इंक्लाइन। ओके, तो इस केस में हम सबसे पहले देखेंगे m1 के लिए, यहाँ एंगल है थीटा, m1g cos थीटा, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स, नीचे m1g sin थीटा, ऊपर की तरफ टेंशन, और क्योंकि हमने माना है कि इट ट्रेवल्स डाउन द इंक्लाइन तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा। ओके, अब क्योंकि ये फ्रिक्शन, क्योंकि ये ब्लॉक एक्चुअली मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हाँ, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास होगी म्यू एन, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन लेंगे हम इधर। हाँ, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ इक्वेशन लगा सकते हैं एम वन जी साइन थीटा माइनस टी माइनस एफ इक्वल टू एम वन ए। एम टू के लिए हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम है टेंशन और एम टू जी, और इसका जो मूवमेंट होगा वो अपर डायरेक्शन, हाँ, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसलिए इधर मूव करेगा, और हमारे पास इक्वेशन होगी टी माइनस एम टू जी इक्वल टू एम टू इंटू ए। ओके, अब हमने हमारे पास क्वेश्चन में दिया है एट व्हाट पॉइंट इट विल जस्ट बिगिन टू मूव, मतलब जिस पॉइंट पे द मासेस जस्ट बिगिन टू मूव वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी एम वन जी साइन थीटा माइनस टी माइनस एफ इक्वल टू जीरो और टी माइनस एम टू जी इक्वल टू जीरो। इस टाइम पे फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन है, यहाँ पे एन की वैल्यू है एम वन जी कॉस थीटा, तो हमारे पास आएगा म्यू एम वन जी कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन की इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एम वन जी साइन थीटा माइनस टी माइनस म्यू एम वन जी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। इस ही इक्वेशन में हम टेंशन की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, यहां से हमें पता चलता है टेंशन इक्वल टू एम टू जी है। ओके, क्योंकि हमने एम टू ए को इक्वल टू जीरो ले रखा है। हाँ, तो हमारे पास आता है एम वन जी साइन थीटा माइनस एम टू जी माइनस म्यू एम वन जी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। ओके, तो इस केस में हमारे पास म्यू की वैल्यू आती है एम वन साइन थीटा माइनस एम टू अपॉन एम वन कॉस थीटा। ओके, तो हमारे पास म्यू आ गया टैन थीटा माइनस एम टू बाय एम वन सेक थीटा। ठीक है, अब इसमें हम कंडीशंस डालेंगे जो M1 और M2 की दी गई है हमें ऑप्शंस में। हम देखते हैं कि जब डाउन द इंक्लाइन वाले जो दो ऑप्शंस हैं वो हैं C और D, और इसमें हमारे पास जो कंडीशन है वो है M1 इक्वल टू टू एम टू। ठीक है, तो हम वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे M1 इक्वल टू टू एम टू, यानी यहाँ पे M1 की जगह हम रखते हैं टू एम टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास म्यू की वैल्यू आएगी टैन थीटा माइनस हाफ सेक थीटा, जो कि है हमारा डी ऑप्शन, जो हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमने एक फर्स्ट कंसीडर केस कर लिया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन का, और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हमने फ्रिक्शन अपवर्ड लेके वी उसका हमने एक्सेलरेशन इक्वेशन निकाला, और क्योंकि हमें जस्ट व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग का कंडीशन चाहिए तो हमने उसका एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो ले लिया। अब नेक्स्ट कंडीशन हम लिखेंगे व्हेन इट मूव्स अपवर्ड्स, दैट इज एम टू विल स्टार्ट टू मूव डाउनवर्ड्स और एम वन ऊपर की तरफ मूव करेगा। हाँ, ठीक है, अब हमारे पास केस टू है जब इट ट्रेवल्स डाउन ट्रेवल्स अपवर्ड्स। इस केस में हम देखेंगे कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा ये, टेंशन होगा ऊपर, नॉर्मल फोर्स होगा ऊपर, और नीचे होगा एम वन जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा एम वन जी साइन थीटा। ओके, एम टू का फ्री बॉडी डायग्राम वैसा ही रहेगा टेंशन एम टू जी,
The only difference is कि इसमें acceleration इस तरफ है. तो इसीलिए हम assume करेंगे कि जो हमारा t है which is less than m2g. हाँ, आगे हम देखेंगे इसके लिए equations use करते हुए t minus f minus m1g sin theta equal to ma. हम जानते हैं kinetic friction है तो friction equal to mu n है. यहाँ पे n की वैल्यू m1g cos theta है क्योंकि vertical equilibrium है. तो ये पूरी हम इसमें पुट करेंगे और हमारे पास वैल्यू आएगी t माइनस म्यू एम वन. अगर हम f की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा t माइनस म्यू एम वन जी कॉस थीटा माइनस एम वन जी साइन थीटा इक्वल टू एम वन ए. ओके, अब इसमें भी क्या हम यही कंडीशन लगाएंगे कि एम वन ए इक्वल टू जीरो होगा? हाँ, और ये कंडीशन लगाते साथ हमारे पास इक्वेशन आएगी ये. और हम जानते हैं इसके हिसाब से m2g माइनस t इक्वल टू m2a, यहाँ पे भी कंडीशन लग जाएगी जीरो. तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू आएगी m2g. ठीक, वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और हमारे पास वैल्यू आएगी m2g माइनस म्यू m1g cos थीटा माइनस m1g sin थीटा इक्वल टू जीरो. इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए के बाद हमारे पास म्यू की जो वैल्यू आएगी वो है म्यू इक्वल टू एम टू बाई एम वन sec थीटा माइनस tan थीटा. अब ट्रैवलिंग अप द इंक्लाइन में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ए और बी. अप द इंक्लाइन में हम देखते हैं कि हमारे पास कंडीशन है एम वन इक्वल टू एम टू, तो वो हम यहाँ पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे म्यू इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी. तो इसीलिए हमारा बी और डी जो है वो करेक्ट आंसर्स हो गए. तो इसमें हमने बेसिकली दोनों सिनेरियो ले लिए, वन गोइंग अपवर्ड्स का और दूसरा गोइंग डाउनवर्ड्स का. और बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द मोशन एट द पॉइंट व्हेन इट जस्ट स्टार्ट्स मूविंग, तो हम उसका लिमिटिंग कंडीशन के लिए एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो लेते हैं. और उसके बाद जितने भी अननोन दोनों बॉडीज के ऊपर के फोर्स बैलेंस करके हम जो इक्वेशन आते हैं उससे अननोन्स को एलिमिनेट करते हैं. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11.